बोला है और इन्होंने आवेदन किया और करने के लिए इन्होंने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने जो जानकारी दी है। ऐसी समस्याएं और भी हैं और पहले तो भैया जिनकी गाड़ी अगर आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, इनके जो एजेंट है शायद नाम सुना होगा, लाला राम जी है और ये बेचारे विकलांग है, खुद आप देख सकते हो। अब इनको ये जानकारी नहीं है, बेचारे अनपढ़ भी हैं, विकलांग भी हैं और बोल भी नहीं पाते। समस्या ये है, अब इनका काम कौन कराएगा? अब व्यक्ति कहता है यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बहुत टॉप टॉप सीनियर हैं जो बोलते हैं होता कुछ नहीं है। हो सकता है उन टॉप सीनियरों ने इस व्यक्ति का भी कमीशन खाया होगा, पर आज इसका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। और हमको बोलते हैं नेता नगरी कर रहे, अब बचाओ ये बेचारा कहाँ जाए? भैया आपका नाम क्या है? सुप्रकाश, आपका एजेंट कौन था? लाला राम। तो आपने कितना पैसा यहाँ पे जमा किया है? 40,000। अच्छा, तो यहाँ पे ही जमा किया था कि और कहीं जमा किया था? यहीं से। तो पैसा यहाँ से लेना चाहते हो कि और कहीं से? यहीं से। ऑनलाइन के बारे में जानते हो? पैन कार्ड है? है। तो ऑनलाइन जब जानते नहीं हो तो भारत सरकार ने तो जिम्मेदारी ली और कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम भरेंगे, आप लोग भरो तो हम पेमेंट देंगे। तो ये सरकार अच्छा कर रही है? नहीं कर रही है। यहीं से पैसा मिलेगा, यहीं से मिलना चाहिए। तो आप ये बताओ ये सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं गलत है। गलत। तो ये आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो ये बताओ? नहीं पैसा यही सब इसी बिल्डिंग से मिलना चाहिए। तो कल क्या लखनऊ चलोगे आप? चलोगे हमारे साथ? अब ये विकलांग आदमी अपने पैसे के लिए मात्र 40,000 रुपए उसके लिए अगर ये लखनऊ जा सकता है और अगर अच्छा भला आदमी नहीं जाएगा तो इस विकलांग से भी बेकार कहा जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं कह रहे। अपने हक के लिए जा रहे, क्या इनके एजेंट को आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे आना चाहिए, जिम्मेदारी है कि नहीं? उन सीनियरों ने जिन्होंने इस गरीब का पैसे का कमीशन खाया है उनको लाना चाहिए कि नहीं? इनको तो घर बैठे इसका पेमेंट होना चाहिए। कल मैंने और हमारे एक हम लोगों ने एनजीओ बनाया है, 7-8 विकलांगों को साइकिल, 10 बैसाखियां और 10 कान की मशीनें। ये भी बहुत बड़ा कल्याण और बहुत बड़ा पुण्य का काम है। शायद हमने फोटो में डाली होंगी और उर्सला का पूरा कैंप लगा था वहां पे सालेपुर कॉलोनी में। तो हमारा ये कहना है यहाँ पे नेता नगरी नहीं हो रही है, जो हो सके जमीन पे काम करे और ऐसे एजेंटों के लिए ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं है, हम आप सब लोग मिलकर, हम अकेले नहीं लड़ रहे, हम और आप सब लोग मिलकर ऐसे जुनून व्यक्ति का पैसा दिलाने के लिए। क्योंकि तो जब हमारे जैसे लोग, अभी वो मोनू पांडे जी आए थे जो बोल रहे थे, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आवेदन नहीं कर पा रहा है, ऐसा अनपढ़ आदमी, ये वीडियो क्योंकि शेयर करने में बड़ी शर्म आती है, अगर कोई और फोटो है तो बहुत जल्दी लाइक और शेयर करेंगे, पर ये जिसमें हमारी और आपकी समस्या जुड़ी हुई है, इसको फोटो को ना तो कोई शेयर करता है, ऐसे वीडियो को कोई शेयर नहीं करता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा ये सेबी तक कल पहुंच जाए, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी आंखों का पानी तो मर गया है, ये सरकार का, ये सत्ता के नशे में जो बैठे हुए हैं, जो पैसा ना देने की नियत बनाए हैं,
उनको थोड़ी बात ही शायद रहम आ जाए और इस बिल्डिंग से ही पेमेंट, ये हमारी कोशिश है। बाकी आप जब लोग जैसा चाहे, क्योंकि सभी का पैसा लगा हुआ है। बाकी हमारे टॉप सीनियर भैया, टॉप सीनियर बुलाना चाहता हूँ, आए और दो शब्द अपनी पुरानी शैली में कहे आके, और थोड़ा हमें भी एनर्जी दे और आशीर्वाद दे। सेबी का जो ऑफिस है वो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, वहां से जब आप जाएंगे तो दाहिने हाथ पे विभूत खंड बिल्डिंग है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसी राम मनोहर जो हॉस्पिटल है उसके पीछे पड़ता है। बाकी वहां पे दसियों लाख आदमी होगा जो पीड़ित है, वाकई में आज खुद देख रहे होंगे आज कितना आदमी आया अन्य दिनों की अपेक्षा, क्योंकि उनको यह लगा कि अब पैसा बटने लगा, पर पैसा बट रहा है कि आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये समझने की बात है। अच्छा लगा आए, और मैं सभी का आभारी, और मैं उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। जयशंकर शुक्ला जी हमें आशीर्वाद दे और दो शब्द बोले। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के अपने एक तरीके हैं, और उन तरीकों में आज मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश निकाला है, और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो सेबी ने पोर्टल जारी किया है उस पे कस्टमर्स का, जो निवेशकों की जो अपलोड करने की प्रक्रिया होगी वो सरकार करवाएगी। सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अधिकारियों के लिए चलाया है, और अगर किसी भी निवेशक का अपलोड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट्स तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस फैसले के, इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की कोई पोर्टल में अपलोड नहीं होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी अब व्यक्ति की न होकर के सरकार की होगी, और सरकार सेबी से जवाब तलब करेगी। इसी तरह से एक चीज और भी इसमें समाहित है कि कल को सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो अब सरकार सीधी सेबी से बात कर सकती है। और दोस्तों, ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, सरकार ने आदेश ऐसे ही नहीं निकाला। सेबी के, हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी है, उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वहां आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लोकतंत्र में जो समस्या का समाधान है वो जन आंदोलनों से निकलता है। और उस समय तो ये बिल्कुल फिर वही तरीका रह जाता है जब सरकारें निरंकुश हो, प्रशासन आपकी सुनता नहीं हो, तब तो फिर हमारे पास रास्ता एक आंदोलन का रहता ही है, न्यायपालिका का भी एक रास्ता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग अपने को आपस में लड़ा रहे हैं, और वो अपने साथी लोग हैं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, समस्या का समाधान एकजुटता से है। हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस सरकारों से लड़ना आसान थोड़ी होता है, और सरकार यही करती है। वो जब भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तोड़ने के अलग अलग तरीके निकालती है। वो अपने में से कुछ लोगों के माध्यम से इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करती है, और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग, जैसे उसकी लड़ाई सरकार से नहीं हो, जैसे ये लड़ाई आपस में एक दूसरे से लड़ मिल पड़े और एक दूसरे से ये एनर्जी खत्म हो जाए। इसलिए साथियों, किसी भी समस्या का समाधान, हमारी जो PACL, जो पीड़ित साथियों की समस्या का समाधान है, उसके तरीके भी लोकतांत्रिक ही होंगे, उसके रास्ते भी कानून के द्वारा ही निकलेंगे, और किसी भी आंदोलन की सफलता उसके शांतिपूर्वक और एकजुटता में निहित है। गांधी ऐसे सफल नहीं हुआ, गांधी में बहुत बड़ा नैतिक बल था, और वो नैतिक बल और धैर्य ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है। और आज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है छत्तीसगढ़ वालों का कि उन्होंने सरकार से वो काम करवा लिया।
यह उदाहरण आप सबका है कि 2 फरवरी को जो बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ उसके फलस्वरूप सेबी को पोर्टल जारी करना पड़ा। और अब हम जो सेबी ने जो पोर्टल जारी किया और उसके माध्यम से जो एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की उसके विरुद्ध 25 फरवरी को सभी राजधानी मुख्यालयों में जितने भी राज्य हैं उनमें जो सेबी मुख्यालय है उन पे सभी साथी लोग आप बड़ा प्रदर्शन करोगे और मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शन ऐतिहासिक और निर्णायक होना चाहिए। अब कुछ लोग इस तरह से सोचे कि परिणाम कितना होगा, तो साथियों परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रदर्शन का रूप क्या है। अगर केवल पीड़ित लोग हम हो रहे हैं तो ये एक आंशिक रूप, ये जन आंदोलन बनना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के साथियों से प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्यों के जितने भी साथी हैं, जितने भी पीड़ित हैं, वो शायद अब इसे एक जन आंदोलन का रूप देंगे। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर ये पीएसीएल पीड़ितों का आंदोलन पूरे देश में अगर जन आंदोलन बन जाए तो समस्या का निपटारा होने में 15 दिन भी नहीं लगता है। सरकारों को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अंत में साथियों मैं आपको 25 फरवरी की रणनीति पे कुछ बातें बताना चाहूंगा। 25 फरवरी को अगर आप एक साथ धीरे धीरे करके सेबी मुख्यालय पे गए तो पुलिस खदेड़ देगी, आपके जाने से पहले ही आंदोलन खत्म। इसलिए पहली बात ध्यान रखिए कि एक साथ न जाकर के पहले 10:30 या 11 बजे तक आप अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रुपों में इकट्ठा हुए, फिर 3,000-5,000 की जो संख्या आपकी होगी वो फिर एक साथ सेबी कार्यालय पर धावा बोले और वहां पर कभी भी हिंसा और उत्तेजना नहीं हो, बहुत शांतिपूर्वक हो। अगर पुलिस से या प्रशासन से किसी प्रकार की उत्तेजना होती, किसी प्रकार का आमना सामना भी होता है तो आप कहिए हम कस्टमर हैं, हम हमारी समस्या लेके आए। और दूसरी बात, बाय द वे कई बार सरकारी निरंकुश भी होती है, नहीं करने दे तो सभी राज्यों के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें, वहां पे शिफ्ट हो जाए। एक बात ध्यान रखिए साथियों, जैसे ही ये धरना प्रदर्शन 2-3 घंटे का हो उसके बाद में सभा जरूर करें, आगे की रणनीति तय करें और आगे क्या हो इसकी तय करें। सोशल मीडिया पर सब चीजों को वायरल करते रहे, उनको जितना सी ज्यादा आप हो मुझे भी भेजिए। और साथियों अब निर्णायक मोड़ है, कोई अगर घर बैठा इन वीडियो को सुन रहा है और फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ लोग और चले जाएंगे तो ये दुनिया के अंदर आप जब इस दुनिया से जब जा रहे होंगे आपका मूल्यांकन आप खुद करोगे, किसी और के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है और साथ में आपको अपने बच्चों के लिए करना है। क्या आप चाहोगे कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो आजू बाजू पड़ोसी वाले कहे कि देखिए चोर की अर्थी जा रही है? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा कहीं से जा रहा है और उसे कहिए देखिए चोर का बेटा जा रहा है? मैं बार बार साथियों कहता हूं ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान और आत्मसम्मान की है। इसलिए सम्मान की लड़ाई की जब बात आ जाती है तो फिर करो और मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। इसलिए साथियों मुझे पूरी आशा है कि 25 फरवरी का जो सेबी का घेराव का आपने कार्यक्रम रखा है उस कार्यक्रम में शायद आप पूरे जोश, पूरी एकता, पूरे शांति से ऐसा एक इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दोगे कि दूसरे लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो और सरकार भी। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के अपने एक तरीके हैं और उन तरीकों में आज मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश निकाला है और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो सेबी ने पोर्टल जारी किया है उस पे कस्टमर्स का जो निवेशकों की जो अपलोड करने की प्रक्रिया होगी वो सरकार करवाएगी। सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अधिकारियों के लिए चलाया है और अगर किसी भी निवेशक का अपलोड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट्स तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस फैसले के, इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये है कि अगर
किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की कोई पोर्टल में अपलोड नहीं होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी अब व्यक्ति की न होकर के सरकार की होगी और सरकार सेबी से जवाब तलब करेगी। इसी तरह से एक चीज और भी इसमें समाहित है कि कल को सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो अब सरकार सीधी सेबी से बात कर सकती है। और दोस्तों, ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, सरकार ने आदेश ऐसे ही नहीं निकाला। सेबी के हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी है उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, उन्होंने वहां आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लोकतंत्र में जो समस्या का समाधान है वो जन आंदोलनों से निकलता है। और उस समय तो ये बिल्कुल फिर वही तरीका रह जाता है जब सरकारें निरंकुश हो, प्रशासन आपकी सुनता नहीं हो, तब तो फिर हमारे पास रास्ता एक आंदोलन का रहता ही है, न्यायपालिका का भी एक रास्ता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग अपने को आपस में लड़ा रहे हैं और वो अपने साथ ही लोग हैं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, समस्या का समाधान एकजुटता से है। हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस सरकारों से लड़ना आसान थोड़ी होता है और सरकार यही करती है, वो जब भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तोड़ने